याद पिया याद पिया वेलकम टू द ऑटम बेंच। मेरा नाम है पार्थ चक्रवर्ती और यहाँ पे हम वोकल्स क्लास के लिए जमा हुए हैं। सो पहले मैं सर खाता हूँ, ठीक है? सो आज की क्लास में हम ईयर ट्यून और कुछ और दूसरी चीजों को लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है? म्यूजिक, इसमें ईयर ट्यून होना बहुत जरूरी है, ठीक है? आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा ले, गा ले, किसी भी तरह का म्यूजिक, अगर आपके ईयर ट्यून नहीं है और आपने मीन्स महंगे से महंगा ट्यूटर लगा रखा है वोकल्स का या फिर म्यूजिक का, कोई फायदा नहीं है अगर आपके कान ट्यून नहीं है। सो आपके कान ट्यून होना जरूरी है, बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, कोई भी एक सुर पकड़ लो। मैंने रैंडमली एक सुर पकड़ लिया है, इसको कहते हैं फर्स्ट ब्लैक हारमोनियम का, एंड मींस फॉरेन वेस्टर्न नोटेशन में कहते हैं इसे सी शार्प कहते हैं, और इसके ऊपर हम मैं अपनी वोकल्स को मींस मैच अप करता हूं। क्या ये सुनने में सही लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली इसको मैचअप किया है मीन्स काफी हद तक, एंड इसी कहते हैं ये ट्यून करना कि अगर आप किसी सुर के साथ उसको एग्जैक्टली मैचअप कर सकते हैं तो बस यही है म्यूजिक में, ठीक है? हम मैं एक और म्यूजिक मतलब एक सुर पकड़ता हूँ, इसको कहते हैं थर्ड ब्लैक हारमोनियम पे, एंड वेस्टर्न नोटेशन में इसे कहते हैं शार्प। समझ पाए कि इसके ऊपर मैं क्या नाम है कैसे वोकल्स को मैचअप कर रहा हूं? सो यही है, बट क्या ये सही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपने पहचान ली मेरी गलती कि मैंने गलत सुर पकड़ा था, तो गुड न्यूज फॉर यू कि आपके कान ट्यून है, और अगर आप नहीं पहचान पाए तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है? आप सुर को सुनिए, उसके साथ मैच करने की कोशिश करिए। इट्स अ नेचुरल थिंग, मीन्स हम लोग कर लेते हैं जनरली, बट मैंने कुछ मीन्स मेरे आसपास वालों को देखा है कि जो मीन्स ऐसा नहीं कर पाते हैं और काफी इश्यूज होता है इनके साथ कोप अप करने का। सो कीप प्रैक्टिसिंग और देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। काफी नॉर्मल चीज है, अपने सामने किसी को बिठाइए और इस तरह की मीन्स मैचअप या प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, और हो सकता है कि वो गलती पहचान ले। मीन्स 90% टाइम्स मीन्स नॉर्मल क्राउड भी गलती पहचान लेती है ना? तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आप खुद नहीं कर पाए तो सामने किसी को रखिए, अपने फैमिली मेंबर को, और वो आपकी गलती बताएंगे। दोबारा करते हैं। ये मैंने एक बार सुर पकड़ा, इसे फिफ्थ ब्लैक कहते हैं, ए शार्प। इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करेंगे, हम अलग अलग सुर को पकड़ेंगे और उसके साथ मैचअप करेंगे। इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए, प्लीज। बस बस यही जरूरी है। नेक्स्ट, अपने सुरों को पक्का कैसे करें, ठीक है? तो
आपके कान ट्यून है और कोई एक सुर पकड़िए। ये एक मध्य सप्तक से सुर लिया गया है। जब आप नीचों के इन मतलब लो नोट्स की तरफ जाते हैं, हैवी आवाज की तरफ, तो हा को प्रोनाउंस कीजिए, क्योंकि हा आवाज अंदर से आती है, आवाज बिल्कुल सीधी, तो बेटर है। एंड अगर आप ऊपर की तरफ प्रैक्टिस कर रहे हैं पिच के लिए, तो ही या फिर ई बोलने की कोशिश करिए उसके साथ प्रैक्टिस, बिकॉज हाई नोट में ही और ई बोलना मुश्किल होता है। अगर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें और वो करते करते ऑब्वियसली हो ही जाएगा, तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, प्लस जो लोअर नोटेशन में जब मैं हाँ बोल रहा हूं, तो इसको दो तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, करना चाहिए, एक तो विथ थ्रो एंड विदाउट थ्रो। ये है विदाउट थ्रो, सॉफ्ट एंड लाइट म्यूजिक के लिए, या आपके इस तरह के म्यूजिक के लिए प्रैक्टिस करवाएगा। ठीक है, एंड विथ थ्रो आपको फर्क नजर आ रहा होगा। ठीक है, हम इसको और नीचे ले जाते हैं। जितना नीचे हो सके आप जाने की कोशिश करिए, बिकॉज क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि हाई पिच होना ही मीन्स एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट ऐसा नहीं है। मेरे काफी ऐसे मीन्स वोकलिस्ट फ्रेंड है जो काफी ऊंचा गाते हैं, मुझसे भी ऊंचा गाते हैं, बट लो नोट्स में उनकी उतनी पकड़ नहीं है। तो लो नोट्स में भी आप पकड़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिसका खर्च सही है वो हर तरह का म्यूजिक कर सकता है। हाई नोट्स गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है, ऑडियंस इंप्रेस हो जाती है, एंड बट खर्च पे भी आप प्रैक्टिस करिए, तो जितना नीचे हो सके, जैसे कि स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है प्रैक्टिस करना, बट उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। सो मैं इस नोटेशन पे गया था, ये है आपका दूसरा ब्लैक, ठीक है, डी शार्प, एंड इसी तरह से हाई पिच में भी इतना मीन्स इतना पिच रखना नॉर्मल सिंगर के लिए सही है। एंड प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे ही बोल के। ठीक है, क्योंकि ही हाई पिच में बोलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, प्लस प्रैक्टिस करिए बाय ओम। चीजें होती हैं सुर को पक्का करने के लिए, बट ये बेसिक चीज है, एंड इसको इसके साथ आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, प्लस कुछ वोकल्स एक्सरसाइज है जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताई थी, उसको भी जरूर नोटिस करें और उस पर भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक आपके वोकल्स के लिए, एंड मेरे वीडियोज को ऐसे ही देखते रहें और दूसरों को भी देखने के लिए आप उत्साहित कर सकते हैं। एंड मेरे फेसबुक पेज को जो नीचे लिंक दिया होगा उस पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले वीडियोस को मैं कब अपडेट कर रहा हूँ, बाकी मेरी इन्फोज वो सब आप जान सके। ठीक है, सो इस क्लास को यहीं रोकते हैं, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।